हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, ये छोटा सा मिनी पंप है जो कि मैंने इसको अमेजन से परचेज किया हूँ, या आप लोकल मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। एयर पंप है, ये एयर पंप है पानी का। तो यहाँ पे इसका जो नाम है एयर पंप करके नाम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और ये बहुत ही मस्त क्वालिटी का पंप है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको चेक करके दिखाऊंगा इसमें जो खासियत क्या है, जिसके कारण मैं इस पंप को मैंने परचेज किया हूं। और फ्रेंड, दूसरा पंप से ये पंप जो है ख़राब भी जल्दी नहीं होगा अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो, क्योंकि इस पंप में मोटर में पानी जाता ही नहीं, और मोटर नहीं ख़राब होगा तो पंप कहाँ से ख़राब होगा फ्रेंड। तो ये है छोटा सा मिनी पंप हमारा, और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी। तो इस पंप को मैंने लगाओ, यहाँ पे जो है दो टाइप का यहाँ पे होल दिया हुआ, एक तरफ से पानी उठाएगा और एक तरफ से पानी निकालेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए कि इधर पानी निकाल रहा है, वो गलती लग जाएगा तो काम नहीं करेगा। और फ्रेंड, यहाँ पे जो है पानी आपका पूरा पूरी साफ़ होना चाहिए पंप के लिए। अगर थोड़ा सा भी गर्दा होता है तो आपका पंप जाम होकर ख़राब हो सकता है, तो उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा खोल के। तो वही एक बड़ा प्रॉब्लम है इसका, बाकी इस पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पंप का जो पानी उठाना है डायरेक्टली इस तरह से पाइप टंकी में डाल दीजिए और ऑटोमेटिक ये पानी उठा लेगा, कोई सामने रखने का ज़रूरत नहीं, पंप कहीं भी रखिए। तो देखिए, मैंने सिंपल सा पंप को यहाँ रख दिया हूँ और यहाँ पे मैं पावर का कनेक्शन करता हूँ मोटर में, और आपको दिखाता हूँ चला के। और मैं अपना बाइक को भी धोऊंगा इसी पंप से, बहुत ही छोटा पंप है फिर भी। और देखिए अभी जो हमारा पानी निकलना स्टार्ट हो गया। और चलिए, मैं अभी आपको गाड़ी को अपना जो है वॉश करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए, मैं गाड़ी को वॉश करेंगे और देखिए हमारा जो पानी का प्रेशर लगभग जो हमारा, मैं यहाँ तक तो प्रेशर में निकाल पा रहा हूँ। और देखिए हमारा जो गाड़ी के पास भी पहुंच जा रही है। तो ये है छोटा सा मिनी पंप है, तो पानी का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन एक हद तक जो है पानी इसमें निकल रहा है। अगर आपका छोटा मोटा काम है तो इससे बिजली कर पाएंगे। और चलिए, मैं अभी आपको बाइक को वॉश करके दिखाता हूँ। और पानी का प्रेशर तो आप देख ही पा रहे हैं किस हद तक यहाँ पर मिल रही है। अब मैं अपना बाइक को वॉश कर रहा हूँ यहाँ पर, और अच्छी तरीके से बाइक जो हमारा वॉश हो जा रहा है। और अब देखिए हमारा जो है बाइक पूरी मस्त में वॉश हो रही है, और बहुत ही कंफर्टेबल एंजॉय मुझे लगा, और बाइक वॉश करने के लिए काफ़ी मस्त लगा। छोटा सा और कम कॉस्ट में और कम बजट में और पानी भी बहुत ही कम खर्चा हो रहा है, और बाइक भी अच्छी तरीके से वॉश हो जा रही है, और बहुत ही मस्त लगा फ्रेंड। और इससे बड़ी वाली पंप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसका भी पंप का डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से है जो कि पंप आपका ख़राब नहीं होगा। तो मेरा जो भी ओपिनियन था मैं पंप को लेने के बाद जो है वो मैं आपको दे दिया हूँ। और पानी का प्रेशर देख लीजिए कितनी अच्छी आ रही है, और ये जो है पानी की हाइट भी बहुत ऊँची तक यहाँ पर जाएगा, वो भी मैं आपको वीडियो का आगे चेक करके दिखाता हूँ। और बहुत ही हाइट भी पहुंचा देगा, और नीचे से भी पानी ये इजली उठा लेता है, और उठाने के लिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि सिंपली आपको दिखा दिया वीडियो में। और इस पंप को लेना चाहते हैं तो अमेजन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या ज़्यादा में लेना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। 10 पीस 20 पीस लेना है तो डायरेक्टली मैं बहुत ही कम प्राइस में आपको दे दूंगा, अन्यथा मैं अमेजन का लिंक दे दे रहा हूँ, अमेजन से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा। तो गाड़ी की वॉशिंग हो रही है हमारा, और आप देख ही पा रहे हैं मोटर की जो ताकत है पानी का वो किस हद तक यहाँ पर आ रहा है। और फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। और देखिए, अभी मैं हाइट पे पंप का जो
आउटपुट पाइप जो है मैंने हाइट पे रख दिया, और देखिए पानी हमारा जो ऊपर से नीचे गिर रही है, और हाइट दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ कम से कम 10-12 फीट से ऊपर होगा, और ये हमारा पानी जो है ऊपर से आ रही है, कम से कम 12 फीट से ऊपर यहाँ पे उठा लिया है हमारा पानी, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। और ये हमारा बाल्टी है, और ये मुझे पानी अच्छी तरीके से निकाल के दे रहा है। तो इसलिए हम यूज के लिए अब इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और कोई अन्यथा अलग प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस पंप को यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेटर है। इसमें मोटर के अंदर पानी नहीं जाता है, जो भी है पंप में ही अपना जो है ये होके आपको पानी आउटपुट मिल जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए भाई फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।